नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं आज क्या बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। हैदराबाद से आज की जो सबसे बड़ी खबर है, हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे और ये प्रतिमा दुनिया में अपनी तरह की दूसरी सबसे भव्य प्रतिमा है। इसके अलावा चुनावी समर की हम बात करें तो पश्चिमी यूपी में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। हापुड़ मुरादाबाद में सार्वजनिक सभा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कृष्णनगरी मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ में तो आज विपक्षी दलों का समागम होगा। आज अलीगढ़ में अखिलेश यादव का चुनावी कार्यक्रम है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा 3 विधानसभाओं में रोड शो करेंगी। इसके अलावा मिशन उत्तराखंड में राहुल गांधी लगे हुए हैं, हरिद्वार में वर्चुअली जनसभा को संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें जिस पर हर दिन हम आपको अपडेट देते हैं, रूस यूक्रेन के बीच, यूक्रेन ने अब एक कदम आगे बढ़ा दिया है, युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया है और ये बड़ी खबरें हैं जिस पर एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर आ रही है, रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन ने सैन्य अभ्यास किया है। यूक्रेन अब यानी युद्ध को तैयार हो गया है। मिलिट्री बेस पर अमेरिकी मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर भेजा था और यूक्रेन सीमा पर करीब 1.5 लाख सैनिक अलर्ट मोड पे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच अब आज से यूक्रेन की सेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। लगातार विवाद जारी है और ऐसे में अभी माना जा रहा है कि रूस भी तैयार हो चुका है, युद्ध को लेकर तैयारियां शुरू कर दिया है। तो रूस और यूक्रेन को लेकर अब अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं, दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसकी वजह से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। एक तरफ दुनिया के सबसे मजबूत माने जाने वाले नेता व्लादिमीर पुतिन हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका नेटो सैनिकों के साथ तैयार हैं। जंग के मुहाने पर खड़े रूस और यूक्रेन पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर भरोसा जताते हुए तीसरे विश्व युद्ध को टालने की अपील की है। अमेरिका ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की भूमिका का स्वागत करेगा। अमेरिका अमेरिका और रूस दोनों जानते हैं कि भारत किसी खेमे के साथ नहीं खड़ा है। भारत स्वतंत्र नीति वाला देश है। इसके अलावा भारत अगर अमेरिका को छिपे तौर पर समर्थन करता भी है तो भारत और रूस के संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। भारत और चीन विवाद पर रूस ने दोनों में से किसी भी देश का समर्थन नहीं किया था। भारत के रूस से पुराने और रणनीतिक संबंध हैं। अब जब दुनिया दो गुटों में तब्दील हो रही है तब भी भारत रूस और अमेरिका से अपने संबंधों को किसी भी हालात में बिगाड़ना नहीं चाहता। इसीलिए भारत ने 31 जनवरी को UNSC में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब चर्चा हुई तो वहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने की अपील जरूर की। हालांकि रूस ने भारत की इस पहल को अपने पक्ष में बताया और इसके लिए आभार तक व्यक्त किया था, लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में इसे जगह नहीं दी और अब एक बार फिर अमेरिका ने भारत के सामने बातचीत का रास्ता रखकर गेंद भारत के पाले में डाल दी है। हालांकि भारत के लिए भी ये मुश्किल वक्त है। भारत किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रूस के बीच टकराव हो। यूक्रेन और भारत के संबंधों की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद से भारत ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन को एक संप्रभु आजाद देश के तौर पर मान्यता दी। कीव में भारत का दूतावास मई 1992 में स्थापित किया गया था।
और यूक्रेन ने फरवरी 1993 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया। तब से भारत और यूक्रेन के बीच सौहार्द और मित्रतापूर्ण संबंध हैं। दोनों देश शिक्षा, पारंपरिक कानूनी मदद और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद करते हैं। नए युग में पुराने साथी हैं रूस। भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत अपने सैनिकों के लिए साजो सामान का 55% रूस से खरीदता है। अमेरिका की आपत्ति के बावजूद भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। भारत का कहना है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और हथियारों की खरीद के मामले में वो राष्ट्रहित को तवज्जो देता है। अमेरिका हो, रूस हो या फिर नाटो देश, कोरोना में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डीरेल हो चुकी है। ऐसे में हर देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि रूस यूक्रेन तनाव को कम करने की कोशिश करे। दुनिया के इस बड़े संकट के दौर में भारत की पहली कोशिश यही होगी कि रूस और यूक्रेन द्विपक्षीय बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।